कुछ बढ़िया खाना है तो आ जाइए हमारे साथ। आलू तो घर में होंगे और ये क्रिस्पी नाश्ता आप उन लोगों को खिलाइए जो आलू के बहुत ही प्रेमी हैं। ये सबको पसंद आने वाली एक ऐसी रेसिपी है जो झट से बन जाएगी, पट्टे से बनेगी और फटाफट बनेगी। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे खूब सारे मैंने उबाल लिए हैं आलू। अब मैशर की सहायता से इसको करूँगी मैश। इसको अच्छे से कर लीजिएगा मैश ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसमें डालना है आपको कॉर्नफ्लावर। जी हाँ, कॉर्नफ्लावर से इसमें क्रिस्पनेस आएगी। अच्छे से डालिएगा, 4 से 5 बड़े चम्मच आपको डाल देना है। स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। अगर आपको चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो कुछ भी पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हो। अच्छे से नमक डालिएगा, ये ना हो कि आप जमो भर के नमक डाल दो और कुछ भी उसका टेस्ट ना आए। तो लिमिटेड डालिएगा। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मैश कर लीजिए कुछ इस तरह से। हो जाएगी मैश। तो एक मिक्सिंग बोल लीजिएगा, उसमें डालिएगा मायो। जी हाँ, मायो से इसकी स्टफिंग अंदर की बनाइएगा तो वाकई ये जो नाश्ता बनेगा बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही शानदार बनेगा। थोड़ा सा आप मायो लीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा, थोड़ा कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रेश मायो का इस्तेमाल किया है, वेजिटेबल मायो का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको आप रखिएगा और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिलाना है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे आपको चिली फ्लेक्स डालना है। चिली फ्लेक्स से इसका टेस्ट जो है बहुत ही बेहतरीन आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालिएगा और ऑरिगैनो डालिएगा। इनको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको आपको अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिएगा और जो आपने आलू को उबाल करके मैश किया है उसमें आपको ही स्टफिंग करना है। अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अंदर से ये फ्लेवर देगा। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है। अब आप क्या करिएगा कि जो मैश किए हुए आलू को आप को दोनों हथेलियों से इस तरह से करना है जैसे कि आप आलू का पराठा बनाते हैं। गोल गोल कुछ इस तरह से भरिएगा। स्टफिंग आपको भरनी है कुछ इस तरह से। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसको सील कर दीजिएगा। फिर राउंड राउंड बनाइएगा, को गोल गोल बना दीजिएगा इसको अच्छे से। को अगर भी बीच से फट रहा है तो आलू ऊपर से और लगा दीजिएगा। अच्छे से इसको गोल गोल कर दीजिएगा। यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। अब आपके पास जो कॉर्नफ्लावर है इस पर आप कोटिंग करिएगा, इससे इसकी जो बाहरी परत है वो एकदम क्रिस्पी हो जाएगी, एकदम बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगी। आप इसको इस तरह से अप्लाई ज़रूर करिएगा। अब क्या करना है, इसको गर्मा गर्म फ्राई कर लेना है। एक आप कढ़ाई लीजिएगा, उसमें तेल डालिएगा और इसको गर्मा गर्म करिएगा फ्राई। और फिर ये देखिए कुछ इस तरह से आपको कर लेना है फ्राई। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आपको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर कुछ गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपको फटाफट बन जाएगी, मिल जाएगी। अगर आपको तेज़ भूख लगी है तो आप इसको ज़रूर बना के खा सकते हैं। छोटी भूख के लिए, बड़ी भूख के लिए, सबके लिए ये है रेसिपी। आप इसको देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका कलर आएगा। मैं दिखा रही हूँ ये कितना बढ़िया और कितना शानदार लग रहा है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो बनाने बहुत ही मेहनत लगती है तो आप हमारी मेहनत पे रंग लाइए और अच्छे से खूब। आपको ये दिखाई दे रहा है कि अब मैं इसको कट करने जा रही हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी, कितना बढ़िया है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगी कि ये देखिए कितना सुंदर, कितना बढ़िया लग रहा है। अंदर से भी इसकी स्टफिंग हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। खाइए पिए मस्त हो जाइए और प्रधान किचन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।